अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप उसे देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोल्ड शोल्डर कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ ऑफ कट 3 इंच, विड्थ ऑफ कट 20.5 इंच। तो आज मैं इसमें आपको कोल्ड शोल्डर बनाना बताती हूँ। उसके लिए पहले हम अपनी ब्लाउज या शर्ट जो भी हम बना रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसकी बाजू भी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम शोल्डर्स को जॉइन नहीं करते हैं, फिटिंग की स्टिचिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाजू को ऐसे रख करके ये शोल्डर में जो हमने स्टिचिंग करनी है 1/2 इंच की, इसको इसके ऊपर ऐसे रखते हैं। और यहां से लेंथ में जितनी हमारी लेंथ है उससे 1/2 इंच कम का मार्क लगाएंगे। लेंथ है हमारी 3 इंच, 3 इंच से 1/2 इंच कम यानी कि 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस प्रकार से, और विड्थ में यहां से यहां 2.5 इंच की विड्थ है तो उससे 1/2 इंच कम यानी कि 2 इंच का मार्क लगा करके इस प्रकार एक बॉक्स बनाएंगे। और इस बॉक्स में हम राउंड शेप दे देंगे। और अपनी दूसरी स्लीव भी इसके नीचे रख करके दोनों स्लीव्स में ये राउंड शेप की कटिंग करेंगे। अब हम इस कर्व की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम अपने शर्ट या ब्लाउज पीस को लेंगे और अपने शोल्डर की 1/2 इंच स्टिचिंग मार्क को लगाएंगे पहले। और अब यहां से 2 इंच का मार्क लगाएंगे और इस अपने कट कर्व को इसके साथ मिलाते हुए जहां तक हमने ये फिटिंग की स्टिचिंग लगाई है इसको मार्क करेंगे स्लीव को, और अपने 1/2 आर्म राउंड का मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन लगा करके पहले इसकी स्टिचिंग कर देंगे। और ये स्टिचिंग हम दोनों स्लीव्स पर करेंगे। स्लीव की स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस 2 इंच वाले मार्क को राइट हैंड साइड में मार्क करेंगे और इस स्लीव का राइट टू राइट मैच करके
इसको यहाँ से ये स्टिच इस स्टिच के साथ मैच हो जानी चाहिए, ऐसे स्टिचिंग कर देंगे। इसके लिए हम स्लीव्स को राइट साइड में लेके आएंगे। स्लीव को राइट साइड में लेके जाने के बाद अब हम इस प्रकार इसको रखेंगे और इस 2 इंच मार्क से स्टिचिंग स्टार्ट करते हुए इसको इसके साथ मिलाते हुए इस 2 इंच मार्क के साथ स्टिच कर देंगे। ये स्लीव्स के जो कट्स हैं ये हम फ्रंट साइड लेके जाते हैं। और ये सिलाई हम दोनों स्लीव्स में लगा देंगे। स्लीव को शर्ट के साथ राउंड में जॉइन करने के बाद अब हम स्लांट स्ट्रिप लेंगे और ये हमारी लेस है, इसका राइट और इसका राइट इस प्रकार रखेंगे कि ये हमारे राइट हैंड साइड में स्ट्रिप आ जाए और इसको इस प्रकार से यहाँ पर स्टिच कर दें। लेस को स्लांट स्ट्रिप पे इस प्रकार स्टिच करने के बाद अब हम इसकी रॉन्ग साइड में जाएंगे और जो ये हमारी ये स्टिच है इसको हम शोल्डर से ऐसे रखेंगे और इस स्टिच पर हाथ से फील करते हुए इस हमारे कोल्ड शोल्डर कट के चारों तरफ और शोल्डर से जॉइंट करते हुए दूसरे शोल्डर तक स्टिच करेंगे। और ऐसा हम दोनों साइड करेंगे। स्लांट स्ट्रिप की स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसमें कट्स लगाएंगे और ये कट्स हम दोनों स्लीव्स में लगाएंगे। दोनों स्लीव्स में कट्स लगाने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। कट्स लगाने के बाद अब हम इस प्रकार इसको राइट साइड में लेके आएंगे और ऐसी एक स्टिच लगा करके इस स्ट्रिप को दबा देंगे। लेस पर ही प्रेस स्टिचिंग करने के बाद अब हम रॉन्ग साइड में जाएंगे और इस स्ट्रिप को ऐसे सिंगल फोल्ड करके टेम्परेरी स्टिचिंग करेंगे और इस पर हैंड स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद हम इसके शोल्डर जॉइंट कर देंगे जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इस प्रकार से यहाँ स्टिच कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी कोल्ड शोल्डर की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।